नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बिजनेस हॉक पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आता हूं, ठीक उसी तरह आज फिर से एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे एडवोकेट्स चैम्बर बिजनेस आइडिया पर। जैसा कि आपने तहसील में देखा होगा, वहां पर अलग अलग फील्ड के बहुत सारे वकील बैठे होते हैं। जैसे नोटरी के लिए अलग एक वकील होता है, बहस के लिए अलग होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के भी अलग अलग टाइप के वकील होते हैं, कारपोरेट के लिए एक अलग वकील होता है, जो भी कंपनीज वगैरह होते हैं, लाइसेंसेस रजिस्ट्रेशन के लिए अलग एक वकील होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने के लिए एक अलग वकील होता है। तो इस तरीके से वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वकील होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, तहसील एक गवर्नमेंट सेक्टर है जहां पर आप जाकर के अपनी जरूरत के हिसाब से अपना वकील तय करते हैं। तो एडवोकेट चैम्बर बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम तहसील की तरह है, बस फर्क इतना होगा कि तहसील एक सरकारी संस्था है, ये एक प्राइवेट संस्था आप तैयार करेंगे। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो एडवोकेट्स होते हैं उनके लिए आप एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे और उस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल तहसील की ही तर्ज पर चलाएंगे। बस वहां का लोकेशन, वहां का लुक और वहां की जो फैसिलिटीज होंगी वो थोड़ा सा स्मार्ट होंगी, थोड़ा सा लग्जीरियस होंगी। चलिए बात करते हैं एडवोकेट्स चैम्बर को आप बनाएंगे कैसे। तो एडवोकेट्स चैम्बर बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक बड़ी सी बिल्डिंग होनी चाहिए, आपके पास एक ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए जिसमें कम से कम 10-20 कमरे होने चाहिए। अगर आपके पास ऐसी बिल्डिंग नहीं है तो आपको ऐसी बिल्डिंग बनवानी पड़ेगी, उससे पहले आपको जगह खरीदनी होगी। तो आप एक ऐसी बिल्डिंग बनवाएं जिसमें कम से कम 10-20 कमरे हों और उन कमरों को आप स्मार्ट एक लग्जीरियस ऑफिस के रूप में तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आपको उसमें लग्जीरियस इंटीरियर डिजाइन बनवानी पड़ेगी, इसके अलावा आपको एसी वगैरह लगानी पड़ेगी और जो उसका जो फर्नीचर वगैरह होगा वो भी आपको बहुत ही स्मार्ट रखना है। उसके बाद इन ऑफिस में आपको VIP फर्नीचर डालना है, एकदम लग्जीरियस फर्नीचर डालना है। जैसे कि आपको उसमें एक बढ़िया सा ऑफिस वाला काउंटर लगाना होगा, जो मेन लायर उसमें बैठेगा उसके लिए आपको एक अच्छी सी चेयर लगानी होगी। काउंटर का जो फ्रंट वाला हिस्सा होगा उसमें आपको कम से कम 3-4 चेयर ऐसी लगानी होगी जहां पर क्लाइंट्स आके बैठ सके। तो इस तरीके से आपको ऑफिस को मेंटेन करना है। इसके साथ साथ उसमें AC वगैरह आपको बहुत अच्छी सुविधाएं देनी है ताकि उसमें क्लाइंट्स जो आए तो उनको अच्छा फील हो। तो इन ऑफिसेज में लायर्स के साथ साथ आपको क्लाइंट्स के लिए भी बेहतर सुविधाएं रखनी है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज वगैरह भी होनी चाहिए। इस तरीके से आपको 10 से 20 जो है ऑफिसेज तैयार कर लेने हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई कॉम्प्लेक्स बनवाया, तो कॉम्प्लेक्स में मान लीजिए अगर आपने चारों तरफ से ऑफिसेज वगैरह बना रखे हैं तो जो बीच का पोर्शन होगा जहां पर कोई गैलरी या जो हॉल होगा उसमें आपको बड़ी बड़ी स्टील की बेंचेज भी डालनी है जिसपे क्लाइंट्स आके बैठ सके, वेट कर सके और वहां पर प्रॉपर ड्रिंकिंग की फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। इसके अलावा वहां पर जो है टॉयलेट है, वॉशरूम है, इनकी भी अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए क्योंकि इस तरीके की जगहों पर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्लाइंट्स वगैरह बात करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो लोग आके वेट कर सकें क्योंकि बड़ी संख्या में ऑफिसर्स बनाएंगे, जो वेटिंग हॉल बनाएंगे वो भी बढ़िया बना होना चाहिए, AC वैसे आपका उसमें लगा होना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि आप इस बिजनेस से पैसा कैसे कमाएंगे। तो इसका ये तरीका है कि इसमें आप जो है अपने ऑफिसर्स को रेंट पर उठा सकते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए कि एक ऑफिस का 5 से 10 हजार रुपए रेंट रखा, 5 हजार रुपए, 6 हजार रुपए, 10 हजार रुपए, जैसी भी आपने फैसिलिटीज उसमें दी हुई है उसी तरीके से आपको उसका रेंट रखना होगा। उससे करिएगा कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम ही रेंट हो। तो दूसरा तरीका यह है कि जो एडवोकेट्स फी चार्ज करते हैं क्लाइंट से, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे महंगे वकील होते हैं जो स्टार्टिंग में बात करने का 10-10, 20-20 हजार रुपए चार्ज करते हैं, तो उस पर आप 5% या 10% कमीशन चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दो तरह से पैसा कमा सकते हैं। पहला तो आप ऑफिसर्स को रेंट पर उठा सकते हैं, दूसरा वकीलों की जो फीस होती है उस पर आप 5 से 10% चार्ज करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो इस तरीके से आप दो तरह से पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ साथ आप उसमें कैंटीन वगैरह बना सकते हैं, चाय है, फूड है, जो भी एडिबल और बीवरेज जो खाने पीने की चीजें हैं उसको बेच करके भी पैसा कमा सकते हैं। या फिर आप दूसरे जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको आप ऑफर कर सकते हैं कि आप हमारे चैम्बर में आइए, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं तो यहाँ पर आकर के आपने फास्ट फूड वगैरह खाना पीना है और जो भी चाय या कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, वो आप बेच सकते हैं। तो इस तरीके से ये तीन तरीके हो जाएंगे जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आगे आपको क्या करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स बनवा लिया और उसमें आपने 10 से 20 ऑफिस भी सेट कर दिए, इसके बाद आपको क्या करना है।
तो इसके बाद आपको अपने शहर में एडवर्टीजमेंट देना, विज्ञापन देना कि यहाँ पर एडवोकेट्स चैम्बर मैंने खोला हुआ है, और आप तहसील जाकर के बहुत सारे वकीलों से मिल करके और उन्हें अपने चैम्बर में इनवाइट करने का ऑफर दे सकते हैं। क्योंकि जो चैम्बर आप बना रहे हैं वो आप मार्केट में बनाएंगे, शहर के बीचों बीच बनाएंगे, तो लोगों को बहुत ज्यादा इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा, एक ही प्लेटफॉर्म पर लोगों को आसानी से हर फील्ड के वकील मिल जाया करेंगे। तो जो आपने ऑफिसेज बनाए उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लॉयर्स को ऑफर दे सकते हैं, जैसे कि आपने एक ऑफिस जो है इनकम टैक्स वाले लॉयर को दे दिया, एक कारपोरेट जो स्पेशलिस्ट होता है उसको दे दिया, जैसे कि जो दीवानी का वकील होता है, जैसे कि जो जमीन जायदाद से रिलेटेड केस लड़ता है, एक ऑफिस आपने उसे दे दिया, एक ऑफिस आपने क्रिमिनल लॉयर को दे दिया जो लड़ाई झगड़े से संबंधित केस लड़ता है, एक ऑफिस आपने उपभोक्ता फोरम के वकील को दे दिया जो पब्लिक से संबंधित जो खरीदारी जो सेल मार्केट एंड सेल की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उससे संबंधित केस लड़ता है, तो इस तरह के वकील को आपने दे दिया, एक ऑफिस आपने नोटरी वाले वकील को दे दिया, एक ऑफिस आपने टाइपिंग वगैरह जो करने वाले होते हैं डॉक्यूमेंट्स की राइटिंग वगैरह करते हैं उनको दे दिया, एक ऑफिस आपने उसमें आर्ग्यूमेंट स्पेशलिस्ट को दे दिया जो स्पेशल केसेस में बहस वगैरह करते हैं, तो ऐसे वकील को दे दिया, एक ऑफिस आपने ऐसे लॉयर को दे दिया जो लाइसेंसेस व रजिस्ट्रेशन कराने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एक्सपर्ट्स को ऑफिसेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप उसमें कुछ हाई कोर्ट के एडवोकेट्स, कुछ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो एक्सपर्ट एडवोकेट लॉयर्स होते हैं वो उसमें आकर के बैठेंगे, तो जो आपके शहर के क्लाइंट्स होंगे उनको एक ही जगह पर एक साथ बहुत सारे फील्ड के जो लॉयर्स हैं वो उनको आसानी से मिल जाएंगे। और तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को बेहतर सर्विसेज मिलेंगे और लॉयर्स को भी एक ऐसा स्मार्ट प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां से वो बहुत ही अच्छे से काम कर पाएंगे। अब चलिए आगे बात करते हैं, जैसे कि आपने कोई कॉम्प्लेक्स बनवा लिया, उसमें आपने ऑफिसेज भी तैयार कर लिए, आपने लॉयर भी रख लिए, अब आपको उसकी मार्केटिंग करनी है, उसका एडवर्टीजमेंट करना है, तो उसके लिए आप अपने न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं, होर्डिंग्स हैं, पैम्पलेट्स वगैरह लगवा सकते हैं, और जहां पर इतनी बड़ी संख्या में एक पास एक लग्जीरियस जगह पर बहुत सारे एडवोकेट्स अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स बैठते होंगे तो वहां पर बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और इसके जरिए आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप किसी नए बिजनेस की तलाश में तो एक बहुत अच्छा विकल्प रहेगा, आप इस पर विचार कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।